हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो आपने कल का मेरा व्लॉग देखा था, ये उसी के आगे मैंने कंटिन्यू किया है। हमने अभी एक वीडियो शूट किया है जो कि मैं और वर्मा जी दोनों लोग मिलकर के बनाए हैं, और इसके आगे मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बस यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, अभी मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया है और अब मैं पीहू को थोड़ी देर सुलाऊंगी, क्योंकि वो आफ्टरनून में थोड़ी देर रेस्ट करती है। रेस्ट कर लेती है तो बच्चों को बहुत आराम मिल जाता है, सारा दिन बच्चे खेलते कूदते भागते रहते हैं, बस इसीलिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पीहू को थोड़ी देर सुलाऊंगी, और पहले मैं अपना रूम थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने वीडियो शूट किया था तो थोड़ा बहुत सामान मेरा इधर उधर फैल गया था। और ये वही मिल्का डब्बा है जो कि मैं रामदेव जी के यहाँ से लेकर के आई थी, तो ये सब सेट कर रही हूँ। पानी की बॉटल ये अभी नीचे से दे गए थे, तो वही मैं उसको जगह पर रख रही हूँ। और अभी जो मैंने कुछ वीडियोज़ पहले भी शूट किए थे तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने अभी जगह पर सामान जमाया नहीं है, सेट नहीं किया है, तो वही सब अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको सेट कर देती हूँ। तो आज मैं आपके सामने कुछ प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं, और ये कुछ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। वो ये हैं सारे प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर करे हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मुझे ज़रूरत थे, तो मैंने सोचा चलो मैं मंगाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो पहला है प्रोडक्ट वो है ये ब्रश का सेट, और ये है स्विस ब्यूटी का। इसमें बहुत अच्छे ब्रिसल्स हैं, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से पैकेजिंग में आता है। ये देखिए इसके ब्रिसल्स जो हैं वो काफी सॉफ्ट हैं, तो आप इसको पाउडर ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं, ये पाउडर ब्रश है। और ये आई शेडो के लिए भी काफी ब्रश हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रश दिया हुआ है, इससे आप अपनी आईब्रो कर सकते हैं। ये आपका स्पूली है, तो काफी अच्छा सेट है, इसको आप अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। मैं लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे आपको एक माई हॉल स्टोर करके लिंक दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे सारे प्रोडक्ट जो जो मैंने परचेज किए हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट है ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल जो कि ब्लू कलर में है, और मैंने इस समय यही अप्लाई कर रखा है, आप अगर देखेंगे तो ये स्मच प्रूफ है। कल मैंने ऐसे ही इसको हाथ पे थोड़ा सा स्वेच देखा था इसका, तो वो बिल्कुल भी स्मच नहीं हुआ था, पानी के वॉश करने के बाद भी नहीं हुआ था। ये देखिए ये है ब्लू कलर का काजल, इसमें का मैं ग्रीन भी ऑर्डर करूंगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये नेक्स्ट हो गया है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है यहाँ पे दो लिपस्टिक, जो कि एक तो है फेसेस कैनेडा की और दूसरी है ये मैक की लिपस्टिक, जो कि मैं काफी टाइम से सोच रही थी लेने के लिए। तो ये मैक रूबी वो है, तो ये मैक की लिपस्टिक इस तरह की पैकेजिंग में आती है। ये देखिए ये मिनी लिपस्टिक है और ये रूबी वो इसका नाम है, और जो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए मैट लिपस्टिक है, काफी अच्छी है, मैंने इस समय यही अप्लाई करा है। तो ये रेड लिपस्टिक तो एवरग्रीन होती है, आप हमेशा इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक है, न्यूड लिपस्टिक है, इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है, और ये इस तरह की कलर आपको ये ब्राउन दिख रहा होगा लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये एकदम न्यूड शेड आता है। मैंने शायद लास्ट टू लास्ट व्लॉग में इसको अप्लाई करा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं दो नेल पेंट, जो कि एक है कलर बार का और दूसरा है वेरी मिस, क्योंकि मैं एक ब्लैक कलर का नेल पेंट ढूंढ रही थी, ये मैट है, मैट नेल पेंट काफी अच्छा लगता है। तो ये तो ग्लिटरी है कलर बार वाला, ये पिंक कलर है, इसको आप पहले अच्छे से शेक कर लीजिए और जब आप इसको अप्लाई करेंगे, दिखा देती हूँ मैं आपको अप्लाई करके, अप्लाई करेंगे तो ये काफी अच्छा लगता है, एकदम लाइट शेड आपको दिखेगा। ये देखिए ये इस तरह से लाइट कलर है, तो एक मैंने लाइट मंगाया है और एक ब्लैक मंगाया है, तो दो नेल पेंट हो गए हैं। इन सब सबके प्राइस और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल, मेरी आईब्रो पेंसिल जो है इधर सारी टूट गई थी और खो भी गई थी, इधर उधर हो गई, तो इसका ब्राउन शेड है, इसको आप ऐसे को आप रोल ऑन करेंगे तो आपका ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा, ये ब्राउन शेड है और इस समय मैंने इसी से अपनी आईब्रो सेट करी हैं। और दूसरी साइड में इसमें स्पूली दिया हुआ है, तो आपको अलग से ब्रश या स्पूली नहीं लेना पड़ेगा, कॉम्ब नहीं लेना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा है। बस आप एक आईब्रो पेंसिल रख लीजिए और आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये VLCC का गोल्ड फेशियल किट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इधर कोई फेशियल भी अभी नहीं कर रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, तो एक गोल्ड का फेशियल मंगा लिया है मैंने, फेशियल किट है,
इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, स्क्रब भी है, क्रीम भी है और पैक भी है, तो बस एक पैक लीजिए और आप फेशियल कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि मैं इसको यूज करती हूँ और वो खत्म हो रहा था तो मैंने ये मंगाया है। नेक्स्ट है फेसेस कैनेडा का, ये सेटिंग स्प्रे है, मेकअप सेटिंग स्प्रे है। सेटिंग स्प्रे मेरे पास एक था स्विस ब्यूटी का था, जो कि अभी वो मुंबई में छूट गया है, तो मैंने सोचा चलो एक मंगाते हैं जो कि फेसेस कैनेडा का है। ये देखिए इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लग्जूरियस सी है, आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक हेयर सीरम जो कि स्ट्रीक्स का है, और ये हेयर सीरम है विद एलमंड ऑयल। तो इसको मैंने कभी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मंगाया है, देखते हैं इसको यूज करके ये कैसा है और फिर वीडियोस में मैं आपको बताती रहूंगी, क्योंकि बाल बहुत फिजी फिजी से होते हैं, तो आप जब सीरम लगाते हैं तो बाल काफी अच्छे हो जाते हैं, तो ये मैंने मंगाया है। तो ये कुछ सारा सामान था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेजोन से, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें से अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। को मैंने लिटा दिया है, वो लेटी हुई है, बार बार उठ के बैठ जा रही है। बच्चे जब तक माँ नहीं पास में लेटती तब तक बच्चे मस्ती करते रहते हैं। और अब मैं अपने बालों को पहले टाई कर लूँगी, उसके बाद लेटूंगी। और मेरे बाल फिर से बड़े हो गए हैं, जब मैं आई थी मेरठ से निकली थी, शिप पे गई थी, तब मैंने हेयर कट लिया था, उसके बाद फिर से अभी हेयर कट जाऊँगी। तो फिर देखते हैं कब लेते हैं, कब जाएंगे, पता नहीं यहाँ से घर से कब, मतलब हम यहाँ से जाएंगे अपने घर कब जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। और इधर मेरे कपड़े फैले हुए हैं, मैंने सुबह वॉश किया था तो यहीं पे ही फैलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे और कहीं कपड़े फैलाने की जगह तो है नहीं। जब ये सूख जाते हैं, मतलब जब ये ड्राई हो जाते हैं हल्के से, तब मैं इनको यहाँ रूम पर डाल देती हूँ। और चलिए पीहू को सुलाते। यहाँ पे शाम हो गई है, मैंने यहाँ पे चाय मंगाई है अदरक वाली, तो बस अभी हम लोग यहाँ पे शाम की चाय पीने जा रहे हैं। यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पीते हैं हम लोग गर्मा गर्म चाय। आप लोग भी अपने घरों में गर्मा गर्म चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए और रेस्ट करिए। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।